हेलो नमस्कार, ब्रह्मचर्य में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, ठीक है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर, संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है कि उनको विभागीय परीक्षा देना पड़ेगी। तो अतिथि शिक्षकों की भी विभागीय परीक्षा ले सरकार, उनका भी नियमितीकरण करे अतिथि शिक्षकों का, क्योंकि अतिथि शिक्षक भी 15-20 साल से नौकरी करते हुए आ रहे हैं। तो इनकी भी विभागीय परीक्षा होना चाहिए, इनका भी नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि स्वराज सरकार ने इनको भी घोषणा की थी अतिथि शिक्षकों को, ठीक है। जिस तरह से संविदा कर्मियों के लिए नियमित करने की घोषणा कर रही सरकार, इसी तरह से अतिथि शिक्षकों का भी नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षक भी वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें क्या कहा जा रहा सरकार के द्वारा और संविदा कर्मियों के द्वारा। तो अतिथि शिक्षकों को भी अपनी मांग को रखना चाहिए और इनका भी नियमितीकरण होना चाहिए। तो आप पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ, एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के लिए। पूरा वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए किस आधार पर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सकता है और कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं सरकार की ओर से और अतिथि संविदा कर्मियों की ओर से। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। कर्मी मतलब ऐसे कर्मी जिनकी नौकरी परमानेंट नहीं होती, उनकी बहाली एक तय समय के लिए की जाती है और उन्हें नियमित कर्मचारी की तरह बाकी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मध्य प्रदेश में ये कर्मचारी अपनी पक्की नियुक्ति के लिए सालों से, दशकों से जंग लड़ रहे हैं। हर बार सरकारें आती हैं और इन्हें पक्का करने का भरोसा देती हैं। इस बार भी दिया गया था और लग रहा था कि इस बार संविदा कर्मी पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार कई बार इनसे वादा कर चुकी थी। लेकिन अब इस मामले में एक पेच फंसता नजर आ रहा है। अब इन्हें नियमितीकरण के लिए रिटर्न एग्जाम यानी लिखित परीक्षा देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग का नियम बनाने की तैयारी में इसमें जुट गए हैं। सीधी भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। SC/ST उम्मीदवारों को 10% अंकों की अतिरिक्त छूट मिलेगी। आपको बता दें कि सभी 38 विभागों में कर्मचारियों का 300 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें 150 अंक लाना यानी कि आधे से ज्यादा नंबर लाकर पास होना होगा, तभी वो पक्के में हो पाएंगे। यहां यह भी बताना जरूरी है कि कई संविदा कर्मी पिछले 20-20 सालों से संविदा पद पर ही नौकरी कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि अब बीजेपी की सरकार चूंकि वादा करके आई है तो उन्हें पक्की नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन 50% परीक्षा में नंबर लाकर के पास होना होगा तभी उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी। ये जो कंडीशन अप्लाई की है सरकार ने, इसको लेकर संविदा कर्मी नाराज हैं। वो कह रहे हैं जिस काम को हम 20 साल से कर रहे हैं, आपकी सरकारों ने तमाम अवार्ड्स जीते और आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश को हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिया, वो इन्हीं कर्मचारियों के बूते पर बना दिया, और अब आप कह रहे हैं कि आपको परीक्षा देनी होगी उस काम को करने के लिए जो वो 20 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, और पहले आपने कहा था कि पक्का करेंगे, अब आप कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए, जबकि संविदा कर्मी संविदा नियुक्ति पर आने से पहले परीक्षा देकर के ही आते हैं। उनकी कोई रेला बहाली नहीं होती कि आइए आप संविदा कर्मी बन जाइए, उन्हें बाकायदा एग्जाम देना होता है, फिर वो संविदा कर्मी बनते हैं और उस पर वो काम करते हुए कई साल बिता चुके थे। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के साथ खड़ी और बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगा रही है। तो आइए देखते हैं कौन है सही कौन है गलत, क्योंकि एक पक्ष ये भी जो कहता है कि सरकारी नौकरी यूं ही किसी को हम कैसे दे दें। तो इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो संविदा कर्मी दुविधा में है, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ छलावा हो रहा है। यहां तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रदेश स्तरीय राज्य स्तरीय आंदोलन भी करेंगे। बीजेपी का क्या कहना है इस मसले पर, दोनों बयान सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं, जो अभी आदेश नोटिफिकेशन निकला हुआ है इसमें एक पात्रता बाध्यता रख दी है कि संविदा कर्मचारियों को परीक्षा देना पड़ेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, संविदा कर्मचारियों को 10 से 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, आज हमारी आयु 40 से 45 वर्ष की हो गई है, आज हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं, तो कृपया जो पात्रता परीक्षा की पात्रता रखी गई है इसे शिथिल किया जाए और बहुत सारे विभागों में संविदा कर्मचारी परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुए हैं, तो अब किस बात की परीक्षा देंगे संविदा कर्मचारी। अगर संविदा कर्मचारी नियमितकरण सरकार की बहुत अच्छी इच्छा करना चाहती है तो जो संविदा कर्मचारी 10 से 15 साल होगा अनुभव के आधार पर और नौकरी के आधार पर संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। और अनुभवी होने के बावजूद वो पहले से संविदा कर्मचारी लिखित परीक्षा देके संविदा पे भर्ती हुए थे, वो उन्होंने विधिवत उसी वही परीक्षा दी थी जो वर्तमान में होने वाली है। 20-25 साल पहले, 15 साल पहले सभी लोग विधिवत चयन परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुए। अब आज 20 साल के बाद शासन फिर से कह गया है कि आपको नियमित होने के लिए या नियमित पदों पर नियुक्ति पाने के लिए परीक्षा देनी होगी। ये न्याय ही नहीं, एक बहुत बड़ा अन्याय ही नहीं है, ये एक तरीके से कुठाराघात है जो संविदा कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर नियमितकरण किया जाना चाहिए, ना कि परीक्षा देके। उधर तमाम संविदा कर्मचारी हों या फिर बीजेपी से जुड़े लोग हों, इस मसले पर सबकी क्या राय है ये हमने जानने की कोशिश की है, सुनिए। देश के माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम संविदा विद्युत कर्मचारी अनुरोध करते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी विभागों में ऊर्जा विभाग के साथ साथ संविदा पॉलिसी 2023 जल्द से जल्द लागू की जाए, एवं आरक्षण के संबंध में हमारा आपसे अनुरोध है कि हमको 10 साल हो गए, 10 वर्षों से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग अब
20% आरक्षण से कैसे नियमित हो पाएंगे, कृपया जो घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने की थी उनके अनुसार ही हमें 50% आरक्षण दिया जाए और हमारी संविदा नीति 2023 जल्द से जल्द सभी सुविधाओं के साथ जो घोषणा में बोला गया था उनके साथ लागू की जाए। 2023 के अनुसार मनरेगा योजना में नवीन वेतन के समकक्षता निर्धारण के उपरांत आज दिनांक तक नए वेतन के आदेश जारी नहीं हुए हैं। और आइए अब देखते हैं आज का सवाल क्या है। हमारे सवाल वो सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल आपके सामने ये रहे, एमपी में संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी मिलेगी लेकिन उससे पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। बीस साल तक संविदा पर नौकरी करवाई, पक्की नौकरी से पहले क्यों दी जा रही है परीक्षा की दुहाई, यह पूछा जा रहा है संविदा कर्मियों के द्वारा। कांग्रेस आई संविदा कर्मियों के साथ, कहा बीजेपी ने फिर किया कर्मचारियों से विश्वासघात। एमपी में 2.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों की सांसें अटकी, बिना परीक्षा पास किए नहीं मिलेगी अब पक्की नौकरी। जी हां, यह गड़बड़ हो गई है, क्या परीक्षा देनी ही होगी। आइए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे रुक कर लेता हूं उन मेहमानों का। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी, बहुत स्वागत करूंगा ब्रज गोपाल जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता माफ कीजिएगा बीजेपी से जुड़े थे, और कांग्रेस से हमारे साथ आनंद तारण साहब जुड़े हुए हैं, आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ रमेश राठौर भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष मध्यप्रदेश संविदा संघ के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले रमेश जी आपके पास आता हूं। रमेश जी देखिए, संविदा कर्मियों को पक्का करने के लिए कोई तो पैमाना तय करना होगा, या आपको लगता है कि ये ठीक है कि जितने संविदा कर्मी उन्हें सीधा पक्का कर दिया जाए? इस परीक्षा को लेकर क्या आपके मन में दुविधा है और आपको क्यों लग रहा है कि गलत हो रहा है? सबसे बड़ा पैमाना संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने का यह है कि वो 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, इससे बड़ा पैमाना कुछ हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश शासन की सभी समस्त योजनाओं, उनके विभागों में काम करने वाले जिनके दम पे पूरे कार्यालय चल गए हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन पिछले 20-25-30 सालों से संविदा कर्मचारियों ने शासन की और मध्य प्रदेश शासन की सेवा में लगा दिया, जिसकी वजह से आज मध्य प्रदेश शासन ने कृषि कर्मण्य अवार्ड, ऐसे खाद्यान्न में अवार्ड, शिक्षा के क्षेत्र में अवार्ड लिए हैं। उनको किसी नियमित करने के लिए किसी पैमाने की इससे बड़ी कोई उपलब्धि या इससे बड़ा कोई आधार नहीं हो सकता। ये तो केवल एक वानगी थी जो मैंने आपको बतलाई। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इस प्रदेश और देश में नीति बनाने वालों के लिए कि एक तरफ अधिकारियों के बंगलों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी, जिनको दैनिक वेतन के आधार पे उनको नियुक्ति दी जाती है कि दैनिक वेतन भोगी, आप दैनिक वेतन के आधार पे आपको वेतन मिलेगा। ये ऐसे लोग हैं जो मंत्रियों अधिकारियों के यहाँ काम करते थे, एडॉक पे काम करने वाले अतिथि विद्वान, जो बड़े बड़े विद्वान, मतलब जो बड़े बड़े प्रोफेसर और ये लोग हुआ करते थे। दूसरी तरफ जन अभियान परिषद में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी से लेकर क्लास वन तक के अधिकारी, तीसरी तरफ मंत्री स्थापना में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनको जो कि मंत्रियों के रिश्तेदार उनके परिचित होते थे, जो उनकी सेवा में लगे रहते थे, तो उन मंत्रियों को अपने यहाँ चार चार कर्मचारी रखने का अधिकार था। ऐसे लोगों को बिना किसी, जिनकी बिना कोई योग्यता के, बिना कोई शिक्षा के, बिना कोई एग्जाम लिया हुए उनको रखा गया था। दो मिनट में अपनी बात कह दूं, रखा गया था जी। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश शासन ने नीति बनाई है कि उनको सीधे ही नियमित किया जा सकता है, उनके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, उनको कोई परीक्षा नहीं दी होगी। पिछली जो शासन थी उसके 32 मंत्रियों ने उनकी स्थापना में काम करने वाले लोगों को नियमित करने के लिए लिखा था, मंत्रालय में ऐसे 1000 लोग नियमित हो चुके हैं। वही संविदा कर्मचारी विधिवत चयन परीक्षा के माध्यम से, व्यापम के माध्यम से, और विशेष योग्यता रखते हैं, जो जिस पद पे काम कर रहा है उसी पद की योग्यता रखता है, ठीक है, वो पहले से ही एग्जाम दे के आया है व्यापम का, ऑनलाइन का, और विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियमित हुआ है, ठीक है। उनकी दोबारा नियमित होने के लिए परीक्षा ली जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और औचित्यहीन है। उनके अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर रमेश जी दूसरे गेस्ट भी हैं, हम एक एक करके आते हैं, समय की सीमा जी। मैं आ जाता हूं जल्दी से आनंद तारण साहब के पास। आनंद तारण साहब देखिए, ये कहा जा रहा था कि सीएम शिवराज जी ने घोषणा की थी कि नियमित होंगे, इन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, इन्हें डीए भी मिलेगा, और बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, और अब ये कहा जा रहा है कि परीक्षा
लेनी जरूरी है। आपको क्या लगता है, परीक्षा लेना चाहिए ताकि जो काबिल लोग हैं, जायज लोग हैं, वही इन हो पाए सिस्टम में, या आपको लगता है कि नहीं सबको अब कंफर्म कर देना चाहिए? और निश्चित रूप से जब 20 सालों से जो कर्मचारी सरकार के साथ काम कर रहा है, कम पैसों में काम कर रहा, कम रेट पर काम कर रहा, मेरे को लगता है 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए आज स्तर पर काम कर रहा है, और अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया था, निश्चित रूप से दिखाइए, निश्चित रूप से शर्मनाक, क्योंकि जब हम उनका पूरा दोहन कर चुके, इसके बाद सरकार अगर बोलती है कि उनकी परीक्षा ली जाएगी, ये निश्चित रूप से कहीं तक ठीक नहीं है। उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें उनको जो वायदा किया उसके हिसाब से उन्हें उन्हें उनको उनका स्थान देना चाहिए, उन्हें नियमित करना चाहिए। ये मैं कांग्रेस की ओर से मांग करता हूँ। ठीक है, ब्रजगोपाल लोहिया जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोहिया जी देखिए बहुत बड़ा वर्ग है, करीब 2 से 2.5 लाख संविदा कर्मियों की संख्या बताई जाती है। ये परीक्षा का जो मामला है इसको लेकर के एक बड़ा अच्छा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि दैनिक वेतन भोगी हैं, उन्हें आपने नियमित कर दिया, 1000 से ज्यादा मंत्रालय के कर्मचारी हो चुके हैं, और जो लोग परीक्षा पास करके ऑलरेडी आए थे और जो उस पर 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें फिर परीक्षा देने को कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? दूसरा हमारे संविदा कर्मी जो है उनकी चिंताएं, दोनों पे बात करूंगा, पहले कांग्रेस के प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। वो कह रहे थे कि हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, 1993 में दिग्विजय सिंह की सरकार बनने के बाद 1994 से संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मी सुनिए, रमेश राठौर की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रमेश राठौर की बात कर रहा हूँ। रमेश राठौर को मैं शायद जानता हूँ, वो कर्मचारियों के साथ पिछले 20 वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जरा अपनी मानसिकता को सुधारिए। लोहिया जी प्लीज, तो देखिए इस कल्चर को प्रारंभ किया गया था। और एक बात और आपको बताता हूँ जानकारी के लिए, रमेश जी सब जानते हैं कि किस तरह 2002 में उनको बाहर करने के ऑर्डर कर दिए गए कि इन सभी कर्मियों को बाहर कर दिया जाए, और ऐसे 89,000 तब के दैनिक वेतन भोगी कर्मी थे जिनको वापस लाने का काम हमने 2003 में सरकार बनने के बाद किया था। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि ये आज मैं सरकार का कम से कम, रमेश जी आप भी करेंगे इसके लिए, तो आप सरकार का अभिनंदन करेंगे ही करेंगे कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता में आपको रखा। आज सरकार बने 1 महीना ही मात्र हुआ है और इसमें भी आपके लिए नियमों को जारी किया गया है। हो सकता है कि आपके कुछ नियमों से आपको असुविधा हो रही हो सकता है कि उन पर आपकी सहमति ना हो, ये मैं स्वीकार करता हूं, परंतु सरकार ने आपके बारे में काम करना प्रारंभ कर दिया है, ये तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, देखिए परीक्षा लेना सरकार का अपना एक किस तरह का काम है, किस तरह के कामों में आप काम कर रहे हैं। जो संविदा कर्मी है, आप देखिए कि ऐसे भी बहुत सारे काम है, मेडिकल में बहुत सारे संविदा कर्मी है वहां काम कर रहे हैं, हमारे बिजली विभाग में बहुत सारे संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, क्लेरिकल जॉब में वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम है जिनमें परीक्षा होना मैं अनुचित नहीं मानता। सरकार ने हालांकि ये कहा है कि केवल 50% योग्यता अंक होंगे, जो भी एससी और एसटी में 10% घट जाएंगे, यानी 300 में से 135, तो जो लोग 15-20 वर्षों का अनुभव रखते हैं ये बात बिल्कुल सच है, तो उनको वो जो उनकी परीक्षा होगी उसमें भी उनकी बहुत बेहतरीन दक्षता आनी चाहिए, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि 99% संविदा कर्मी उसमें बड़े दक्ष होंगे और इस परीक्षा को केवल 150 अंकों से नहीं 250 अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। परंतु आज विषय यह है कि यदि हमने इसमें एक कदम आगे बढ़ाया है तो आगे भी सरकार आपके प्रति संकल्पित है। हम वो नहीं है कि 2018 में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था और 2020 के 23 मार्च तक कांग्रेस सरकार में रही परंतु आपके पक्ष में एक कदम चलने का भी काम नहीं किया। ठीक है, हाँ हमने संकल्प पत्र में 2023 में लिया है और उस पर काम भी प्रारंभ कर दिया है, और यदि उसमें कोई असुविधाएं और बड़ी असुविधाएं आएंगी तो उनका निराकरण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। ठीक है, चलिए मैं योगेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत भी करता हूं, और उन पर उन तक आने से पहले मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा वो जो बयान था जो उन्होंने चुनाव से पहले दिया था, एक बड़ा संविदा कर्मियों का एक बहुत भव्य आयोजन हुआ था, उसमें उन्होंने क्या कहा था वो सुनाता हूं, फिर मैं उनके पास आता हूं। पीसीआर से मैं दरख्वास्त करूंगा एक बार शिवराज जी का जरा वो बयान सुनाए जो वादा उन्होंने किया था सभी से। मैं तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सकें। हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी, अब 90% नहीं 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया जाएगा।
तो आइए, आपने सुना योगीराज जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, संविदा कर्मियों का मसला बहुत बड़ा मसला है प्रदेश का, और ऐसे में अब जब ये एक अच्छी खबर यह है कि सरकार इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है, पहले ही महीने में इस पर काम करने के लिए आगे बढ़ गई है, इसको हमें सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए। और दूसरी तरफ यह है जो चिंता संविदा कर्मियों की, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए अविनाश जी, असल में क्या है, कोई भी जब इस तरह की खबर आती है तो उस पर सरकार और सरकार के प्रवक्ताओं को बहुत स्पष्टता के साथ बात रखनी चाहिए कि आखिर हम परीक्षा ले रहे हैं तो किसकी ले रहे हैं, कौन से संविदा कर्मचारियों को परीक्षा देना पड़ेगी, ये बहुत क्लेरिफिकेशन सरकार को करना चाहिए। अभी ये हो रहा है कि सरकार ने जैसे ही ऑर्डर आया कि संविदा कर्मियों को नियमित होने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, उससे पूरे कर्मचारियों में, संविदा कर्मचारियों में ऐसा मैसेज गया कि हम सबको परीक्षा देनी पड़ेगी तभी हम परमानेंट हो पाएंगे। जबकि मैं समझता हूँ, शायद हो सकता है रमेश राठौर जी से इत्तेफाक रखते हैं, उन सरकार का ऑर्डर यह है कि नई भर्ती जो होगी उसमें आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। सपोज कीजिए वर्तमान में जो संविदा कर्मी काम कर रहा है, जिसको की लेकर आपने शिवराज सिंह चौहान की बाइट सुनाई है, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं आपके जीवन से अनिश्चितता मिटा दूंगा, हालांकि वो तो अभी खुद ही अनिश्चितता के भवन में फंस गए हैं, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने भी जब ये घोषणा हुई थी तब उन्होंने ये कहीं नहीं कहा था कि नियमित हम करेंगे। दूसरा, जब वो ऑर्डर पारित हुआ उसमें भी नियमित की कहीं बात नहीं की गई थी। तीसरी बात यह कि उस घोषणा उस सभा में जो भी मांगे थी वो कर्मचारियों के मुताबिक थी, वो फुलफिल कर ली गई थी। अब सरकार ने यह कहा है कि अब वर्तमान में जो संविदा कर्मी जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसमें तो उसको कोई परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी, वो संविदा कर्मी यदि किसी तीसरे डिपार्टमेंट में परीक्षा देना चाहता है, कोई संविदा कर्मी चाहता है कि मुझे पटवारी बनना है, तो डेफिनेटली उसको परीक्षा देनी पड़ेगी ना। और उसमें भी सरकार ने यह प्रावधान किया है कि उन दूसरी परीक्षाओं में भी 20% आरक्षण का प्रावधान किया है, मतलब जो संविदा कर्मी वादा किया काम कर रहा है, जो वादा किया था 20% उसमें आरक्षण भी मिलेगा। जी जी, तो मुझे ये लगता है कि ये पॉजिटिव मैसेज है, पर ये सरकार के करिंदों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि बात तो है कि अभी ये हो रहा है कि पूरे प्रदेश भर के संविदा कर्मी आंदोलित हैं, वो आंदोलित हैं, उस बात को लेकर कह रहे हैं कि हमारे साथ एक बार फिर छलावा हो गया है। रमेश, ये बात भी सही है कि कर्मचारियों को लेकर सरकारें बहुत प्रयोग करती हैं, तो ये प्रयोग बंद होने चाहिए। यदि कर्मचारी कह रहा है कि हमें परमानेंट कर दो, वो परमानेंट भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है रमेश जी, ये मुझे स्पष्ट कीजिए, क्या ये ऑर्डर को लेकर जो कंफ्यूजन है ये आप लोगों को क्लियर है? आपने ऑर्डर पढ़ा है, नए कर्मचारी जो दूसरे विभागों में ट्राई कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है और उसमें उनको 50% अंक लाने के लिए कहा जा रहा है, ना कि अपने ही विभाग में रहने के लिए। क्या ये स्पष्ट है स्थिति? और अगर ये स्पष्ट स्थिति है तो फिर इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? ये तो स्वागत योग्य कदम है। देखिए सबसे पहले तो हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने संविदा कर्मचारियों की महापंचायत बुलाई। वो हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्होंने हमेशा कर्मचारियों के हित में काम किए हैं। ठीक है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे माननीय आनंद तारण जी हैं, वो भी हमारे अग्रज हैं, उन्होंने भी दिग्विजय सिंह जी के समय बहुत कर्मचारियों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई है, सारी उन्होंने बहुत वो किया है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ, वो भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। ब्रज गोपाल लोधा जी भी वो हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग हैं इस देश के ही लोग हैं, तो ये देश, ये और हमारे जो ब्रज गोपाल जी, आनंद तारण जी और सभी लोग हम लोगों की बहुत मदद करते हैं। तो मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये पहले से ही प्रावधान है कि जो भी भर्तियां निकलेंगी उसमें 50% पद संविदा कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे, ऐसा नियम है, जीएडी ने 22 जुलाई 2023 को आदेश जारी किया है। लेकिन बात यहां है कि जो लोग उन पदों की जो भी रिजर्व किए जाएंगे वो पद उन पे पहले से जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें शासन का अनुभव है, आज वो 20-25 साल हो गया, 50 साल का हो गया है, और आप आज उसका एग्जाम लेंगे व्यापम से, जो व्यापम के आज नए लड़के बैठेंगे, 50% उसमें ये प्रावधान है कि यदि 50% नंबर नहीं ला पाए, उनके बराबर नंबर नहीं ला पाए, तो वो पद जो है सामान्य जो नए लड़के बैठेंगे उसमें समाहित हो जाएंगे, वो उस पर आ जाएंगे, जिनको 20-25 सालों से 30 सालों का अनुभव है और उस समय के एग्जाम, उस समय की पढ़ाई अलग होती थी, आज के फ्रेशर की पढ़ाई अलग होती है, यदि आज आप वही एग्जाम लेंगे तो 25 साल से जो पढ़ाई में लगातार शासन का काम कर रहा है, सुबह से शाम तक जुटा हुआ है, वो व्यक्ति वो एग्जाम कैसे दे पाएगा? जैसे जन अभियान परिषद में आपने केवल अनुभव के आधार पर नियमित किया उनको, क्लास 1 तक के जिनका 6600 का स्केल है, जन अभियान परिषद जो यूपीएससी का पद होता है उस पद तक के वालों को आपने सीधे ही केवल इंटरव्यू लेके ऐसे 605 लोगों को नियमित कर दिया,
दैनिक वेतन भोगियों को आपका खाली पद, वो दैनिक वेतन भोगी कहीं का भी होता है, किसी भी विभाग का, और कहीं पे भी पद खाली होता है, उसको आप पद खाली है तो दैनिक वेतन भोगी को उस पद पर नियमित कर देते हो, कोई उसमें इंटरव्यू नहीं लेते, कोई एग्जाम नहीं लेते। संविदा कर्मचारी को तो 25 से 30 साल हो गए हैं, वो एग्जाम देके विधिवत चयन परीक्षा, और जितना हमने अभी देखा वो 20% पद आरक्षित हैं। पहले ये तो स्पष्ट कर दीजिए कि कितने परसेंट पद आरक्षित हैं, फिर मैं दूसरा कंफ्यूजन दूर करवाता हूं आपसे। जी नहीं, 50% पद आरक्षित हैं और उसमें 50% पद संविदा के लिए होंगे, 22 जुलाई को आदेश निकला है, ठीक है, 50% पदों का आरक्षण है, ठीक है। और फिर ये 20% जो पद आरक्षित होंगे ये किस चीज के लिए लिखा जा रहा है? ये सीधी भर्ती में 20% का 2018 में जब 20% का जो आया था वो या तो मिस प्रिंट हो गया है या गलती से छापा गया है, लेकिन 50% पर आरक्षित हैं। अब एक और कंफ्यूजन दूर कीजिए रमेश जी, मुझे ये बताइए कि क्या अगर कोई मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी है और स्वास्थ्य विभाग में ही वैकेंसी निकलती है तो उसमें परीक्षा उसको देनी होगी? इस चीज का आप विरोध कर रहे हैं, उसी पद पर परमानेंट होने के लिए भी उसे परीक्षा देनी है? या स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी अगर वन विभाग में जाना चाहता है वहां पर उसको परीक्षा नहीं देनी, वहां पर परीक्षा देनी चाहिए? ये केवल इंटर डिपार्टमेंट परीक्षा का विरोध है या आपको लग रहा है कि नहीं, इंटर यानी कि विभाग के अंदर कम से कम परीक्षा ना ले, अगर वो स्विच करना चाहता है तो परीक्षा ले सकते हैं? जी देखिए, एक्चुअली में क्या है, स्वास्थ्य विभाग में यदि खाली पद है, उन्होंने वैकेंसी निकाली है, तो वन विभाग का कर्मचारी भी स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग का भी भर सकता है, लेकिन उसको भी स्वास्थ्य वाला भी भर गया तो उसको भी परीक्षा देनी होगी, और स्वास्थ्य विभाग वाला वन विभाग में जाएगा तो भी उसको परीक्षा देनी होगी। वो कॉमन एग्जाम होता है, उसमें कोई भी समझ गया मैं। ठीक है, अब आपका पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है रमेश जी, स्वास्थ्य विभाग वाला भी भर सकता है। ठीक है रमेश जी, आपका पॉइंट क्लियर है। मैं आपके पॉइंट को अपने सवालों में कोशिश करूंगा कि मैं लेकर के आ जाऊं। रमेश जी, आपके सवाल जो है बृजगोपाल लोया जी के पास, पर उससे पहले मैं आनंद जी के पास चलता हूं। आनंद जी देखिए, ये कम से कम बीजेपी ने इतना तो खींच लाया है कि रिजर्वेशन कर दिया, और पहले ही महीने में देखिए प्राथमिकता के आधार पर इसको लेकर ऑर्डर्स भी निकाले जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो इस चीज का तो कम से कम स्वागत कर सकते हैं आप, क्योंकि ये पहले महीने में कर रहे हैं और आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप 15 महीनों में नहीं कर पाए थे। देखिए 15 महीने में बात हो रही है, 15 महीने में तो जो हमारी जरूरी काम थे उन्हें हमें करना थे, हमने जो वायदे किए थे निश्चित रूप से हम 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा काम करने लगे थे, तो ये भी उसकी प्राथमिकता में था। लेकिन हमने, अगर हमारा सबसे पहला काम था तो किसानों का कर्जा माफ का था, हमने 55 लाख किसानों की में से 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, हमने 1 रुपए यूनिट लाइट दी थी। आपने वो अच्छे काम किए सर, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन 1.5 साल में आपने जो काम प्राथमिकता में नहीं लिया था वो कह रही है बीजेपी की हमने पहले महीने में ले लिया, वो अपनी प्राथमिकता दिखा रहे हैं कि कर्मचारी हमारी प्राथमिकता की किस प्रायोरिटी लिस्ट में। देखिए अविनाश जी, जी एक बात बताइए, बीजेपी ने जो वायदा किया था हम उसकी बात कर रहे हैं, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, हमारी तो 15 महीने की सरकार थी ना, जो सरकार लगातार रही है 20 साल रही है, अगर उन्हें 20 साल में भी वो वायदे किए हैं तो निश्चित रूप से उन्हें करने चाहिए, उन्हें कहां से क्या करने चाहिए अलग बात, लेकिन जो कर्मचारी 20 साल से सर्विस में है उनके ऊपर जो एग्जाम की कौन सी धारा, उनको उनको तो सीधी उन्हें भर्ती करनी चाहिए, भाई हमें आपके 50% लेना है तो 50% आपको ले रहे हैं, अरे भाई आपको जो कर्मचारी है वो आप उनसे कोई भी काम करवा लेते, कहीं आप जनगणना में काम करवा रहे हो उनसे, कहीं आप सुनिए, कहीं आप चुनाव में कर लगवा रहे हो, कहीं किसी में लगवा रहे हो, भाई बहुत है पैसे ही ऑल राउंडर हो जाते हैं, फिर ये सब उनके साथ बेमानी है कि कहीं उनको उनके ऊपर तलवार, मैं उनके साथ मेरी सद्भावना है निश्चित रूप से, वो उन्होंने बहुत कम पैसों से काम चालू किया था, और आज 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 आप देखें मजदूर को भी जो तनख्वाह मिलती थी वो भी कई गुनी ज्यादा थी जो वो जिसमें उन पढ़ाई की जी, 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 बिल्कुल देखिए आपकी संवेदनाएं उनके साथ अच्छी बात है, पर बीजेपी के पास तंज कसने के लिए एक बड़ा मुद्दा यह है कि ये कल्चर कर्मी कल्चर शुरू किसने किया प्रदेश में। खैर मैं उस इतिहास में नहीं जाता हूं, मैं तो वर्तमान में समस्या पे बात करता हूं। लोया जी आपके पास आता हूं। लोया जी अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर कोई मेडिकल में काम कर रहा है, कोई टेक्निकल काम कर रहा है तो उसकी दक्षता की परीक्षा लेनी चाहिए, वो अच्छी बात है, पर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सर, अगर कोई मेडिकल में काम कर रहा था पिछले 20 सालों से, आपने उससे सारे काम करा लिए, और जब तक चूंकि वो कम सैलरी पर था तो आपको लोगों की जान की या उस तकनीकी दक्षता की चिंता नहीं थी, और आप जब उसे पक्की नौकरी देनी तो आप कह रहे हैं पहले आप बताओ काम कर पाओगे कि नहीं, तो ये तो फिर दोगुली नीति कहलाएगी सर, कि आपने या तो वहां पे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर लिया या अब आप संविदा कर्मियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक पहले तो मैं आपको एक बिल्कुल जस्टिफिकेशन दे दूं कि अभी जो चर्चा रमेश जी कर रहे थे कि 50% 23 जुलाई को हुआ है, परंतु मैंने जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है वो जो पढ़ा है वो 20% है, तो इसलिए मैं उस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। दूसरी बात, केवल संवेदनाएं नहीं है, अभी माननीय जुडिशियरी में ये तय हुआ है कि जो मजिस्ट्रेट से प्रमोशन होकर डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे या हाईकोर्ट जस्टिस बनेंगे उनको भी एक परीक्षा पास कर ही उसको प्रमोशन मिलेगा, ये जुडिशियरी ने तय किया है प्रमोशन के लिए। तो जैसे कोई किसी दायित्व पर काम कर रहा है और यदि उसका वहां नियमितीकरण होता है ये बिल्कुल पृथक बात है, परंतु ये बिल्कुल पृथक बात है कि यदि जो जिस दायित्व पर काम कर रहा है उसके ऊपर के दायित्व
पर काम करना चाहता है या अन्य कार्य करना चाहता है तो क्यों उसका परीक्षा नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक है। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, रमेश जी को भी आगाह करता हूँ इस बात के लिए कि आप इसको समझने की कोशिश करिए कि जो नए लड़के हैं उनको मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना है। आपको दो चीजें दी गई हैं इसमें, एक तो 20% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है हर कैटेगरी में, दूसरा आपके पात्रता के अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं 150, यानी यदि केवल 150 अंक लाते हैं तो आप पात्र होंगे, जबकि जो नए लड़के हैं वो मेरिट के आधार पर चयन किए जाएंगे। तो इन दोनों स्थितियों में भिन्नता है, और मैंने जो शुरू में कहा था वो अभी फिर से कहता हूँ कि हमने जो सार्थक प्रयास प्रारंभ किया है उसमें अगर कोई बड़ी रुकावट आएगी तो उसको दूर करने का काम भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी संवाद होगा। बहुत अच्छी बात है ब्रिज गोपाल जी, मैं आपको इस चीज के लिए बहुत साधुवाद देता हूं कि आप हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और मैं अंतिम सवाल योगीराज योगेश जी के पास आता हूं। योगीराज योगेश जी, क्या मुझे लग रहा है कि इस पूरी जो नया ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है, पहले इसे अच्छे से समझना होगा और फिर अगर संविदा कर्मियों को कोई दिक्कत है तो वो जाकर सरकार के साथ बैठकर इस मसले पर बात भी कर सकती है, पर खुश हमें इस बात पर होना चाहिए कि अब संजीदगी से आगे बढ़ रही है सरकार इस दिशा में। नहीं, मैंने पहले दौर की चर्चा में यह कहा कि उसमें सरकार की तरफ से स्पष्ट आने चाहिए था कि ये ऑर्डर ये है। कन्फ्यूजन असल में वहीं से क्रिएट हुआ और ऐसा लगा कई लोगों को, तो ये लग रहा है कि हम 25 साल से काम कर रहे हैं अब हमें परीक्षा देना पड़ेगा। तो ये क्लियर सरकार को करना चाहिए, सरकार को ये भी क्लियर करना चाहिए जैसे भी रमेश राठौर जी कह रहे थे 50%, हालांकि ब्रजगोपाल जी लोया ने 20% का कहा, लेकिन 50% होना ही चाहिए, सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे क्यों है, इसलिए आगे है ना कि आपने कहा था कि हम कर्मी कल्चर खत्म करेंगे, और यदि कर्मी कल्चर खत्म कर रहे हैं आप नियमित करने की जब बात करते हैं तो शिवराज जी ने भी जो सभा में कहा था उसमें नियमितीकरण को लेकर कोई बात नहीं की गई थी। कर्मचारी उस समय इसलिए शांत हो गए कि चलो कम से कम कुछ ना होने से कुछ भला अच्छा है, लेकिन अभी भी अल्टीमेट जो डिमांड है संविदा कर्मियों की वो यही है ना कि एक ऑर्डर सरकार पारित करे कि आज से सारे संविदा कर्मी नियमित किए जाते हैं, वो बिल्कुल जायज मांग सरकार की तरफ से आना चाहिए जो संविदा कर्मी चाहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत दिनों से मांग है, पुरानी मांग है। और मैं जाते जाते एक लाइटर नोट पर मैं अपने मेहमानों को जो है वो ये कहना चाहूंगा कि मैं एक छोटा सा विकल्प देता हूं, जरा मेहमानों को ले आइए। कई बार मेरे आईपीएस आईएएस दोस्त इस बात से नाराज भी हो जाते हैं, शिकायत भी करते हैं कि ये जो संविदा कर्मियों की जितनी दिक्कतें हैं चाहे दैनिक वेतन भोगी हैं, इसे दूर करने का एक ही तरीका है कि जो नियम बनाने वाले हैं उन्हें संविदा पर अपॉइंट कर दिया जाए और फिर उनसे कह दिया जाए कि आप नियम बना दीजिए, सारी समस्या एक दिन में खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं ब्रिज गोपाल लोया जी, आनंद तारण जी, योगीराज योगेश जी, रमेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करें अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किस आधार पर होगा, अतिथि शिक्षकों ने पूरा वीडियो देखा है और इसमें समझ में आ गया होगा कि सरकार कहाँ गलत कर रही है संविदा कर्मियों के साथ व अतिथियों के साथ। तो अतिथियों को क्या पॉइंट सरकार के सामने रखना चाहिए, किस आधार पर अतिथियों का नियमितीकरण हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।